चल मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हो और जैसे व्हाट्सएप कॉपिंग करोगे ना और किसी भी प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे एक नया आइकॉन घड़ी का आइकॉन दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हर प्रोफाइल के अंदर घड़ी का आइकॉन दिखने को मिल जाएगा और किसी प्रोफाइल के अंदर नहीं है। तो ये घड़ी का आइकॉन क्यों दिया, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है, व्हाट्सएप ने क्यों दिया गया ये घड़ी का आइकॉन, आप में से किसी को भी नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसी घड़ी का एक ऐसी रहस्य खुफिया राज के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में यदि आप जान लेते हो ना तो 100% बिल्कुल ही चौंक जाएंगे और मेरे कमेंट के अंदर बोलोगे कि यार इस घड़ी से ऐसा भी काम हो सकता है, ऐसा भी ट्रिक हो सकता है जो मुझे कहां से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इस घड़ी से आप किसी का भी पोल खोल के रख सकते हो। जी हां, तो आज का जो वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल का है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गाटोगा YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता लाइक करना, कोई पैसा नहीं लगता, लाइक जरूर कीजिएगा। ये जो लाल वाला बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पिकल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, कमेंट करके लिखना होगा व्हाट्सएप नाइस ट्रिक लिखना होगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करोगे ना, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल के अंदर एक घड़ी का आइकॉन देखने को मिल जाएगा। ये भी प्रोफाइल के अंदर, बाकी प्रोफाइल के अंदर नहीं है। तो ये घड़ी क्यों दिया गया, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देता तो ऊपर में आप देखेंगे नाम के बाजू में आपको दिखने को मिल जाएगा घड़ी का आइकॉन। जी हां, तो ये घड़ी का आइकॉन जो है क्यों आता है, इसका क्या काम है, मैं आपको बता देता हूं। और ये जो घड़ी का आइकॉन है ना, दो तरीके से आप ऑन कर सकते हैं, एक तो आप भी ऑन कर सकते हैं, एक तो आपके फ्रेंड भी ऑन कर सकता है। यदि मान लो कि आपने ऑन किया था, इसका क्या मतलब हो तो मैं आपको बताऊंगा, ऑन कहां से किया जाता है, आप इसे बंद भी कर सकते हो। जी हां, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो ये जो नाम देख रहे हो ना, इस प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहां पे एक नया चीज आपको दिखने को मिल जाएगा, सेटिंग, जैसे कि आप देख रहे हो डी से पेयरिंग मैसेज करके, जो आप लोग को पता होगा। इस पे आपको क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपको तीन सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, 24 घंटा, 7 दिन या 90 दिन, या आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। जी हां, तो यहां पे 24 घंटा मैंने डाल दिया, तो 24 घंटा डालने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो कि यहां पे एक कोड यहां पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो आपको भी मैसेज आएगा, और ये कोड आपने चेंज किया ना पर्टिकुलर चैट पे तो आपके फ्रेंड को भी शो होगा कि इस बंदे ने ये सेटिंग को ऑन किया, ये घड़ी का आइकॉन को यहां पे ऑन किया। तो ये घड़ी का आइकॉन जो दोनों को दिखेगा, आपको भी दिखेगा, आपके फ्रेंड को भी दिखेगा। लेकिन यदि आप ऑन कर देती हो ना तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने आपको मैसेज किया, जैसे कि मैंने फ्रेंड को मैसेज किया, आप भी अपने कुछ इस तरह से फ्रेंड को मैसेज करते या आप फोटो कुछ इस तरह से आपने भेजा, ठीक है, तो ये फोटो और ये वीडियो आपने भेजा, कुछ भी आपने भेजा, तो ये क्या होगा कि 24 घंटे के बाद जो ना ऑटोमेटिक जो ना चैट डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी चैट भेजा हो ना तो वो डिलीट हो जाएगा, आपके इधर से भी डिलीट हो जाएगा, आपके फ्रेंड से भी चैट डिलीट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लियर चैट हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपके इधर से भी हो जाएगा, उसके इधर से भी हो जाएगा, पूरा का पूरा चैट जो ना बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे आपका प्राइवेसी बचेगा, इससे आपका सिक्योरिटी बचेगा, आपका पोल कोई भी खोल नहीं सकता। जी हां, अगर आपके फ्रेंड भी ऑन कर देता है 24 घंटे के लिए या 7 दिन के लिए ऑन करेगा, तो 7 दिन के बाद जो भी चैट भेजोगे ना ऑन करने के बाद, जैसे आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद आप कोई भी मैसेज भेजोगे, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट भेजोगे ना, चाहे वो 7 दिन हो, चाहे वो 24 घंटा हो, चाहे वो 90 दिन हो, 90 दिन करोगे तो 90 दिन के बाद डिलीट होगा, 7 दिन करोगे 7 दिन के बाद होगा, 24 घंटा करोगे तो 24 घंटा होगा। यदि आप नहीं चाहते कि चैट रखना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, तो उसे आप बंद कर लेना, ठीक है। तो ये घड़ी का मतलब यही होता है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे दोनों के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे दोनों घड़ी के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये घड़ी का क्या यूज है, इसका क्या मतलब है, कैसे ऑन किया जाता है, व्हाट्सएप ने क्यों दिया गया, मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कुछ नया जानकारी सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने क्या लेके, टेक केयर एंड गुड बाय।